नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का पिछले 131 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। इसी बीच आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए मिट्टी सत्याग्रह की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत 23 राज्यों के 1500 गांवों की मिट्टी लेकर किसान संगठनों के साथी दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं, जहां पर महिलाओं ने मिट्टी से भरे हुए कलश को सिर पर रखकर किसानों के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराया है। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहीद स्मारक में देश भर से आई मिट्टी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए किसान संगठनों के नेता महापंचायतों में मिट्टी लेकर जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन के लिए समर्थन जताया जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने बताया कि शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह समेत अन्य स्थलों से मिट्टी लाई गई है। आपको बता दें कि गुजरात के 33 जिलों के 800, राजस्थान के 200, महाराष्ट्र के 150, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 150, उत्तर प्रदेश के 75, हरियाणा के 60, पंजाब के 78 और बिहार के 30 गांवों की मिट्टी को लाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर मंगलवार को तीसरी बार दिल्ली से सटे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां पर उन्होंने किसानों के साथ मिलकर मिट्टी की पूजा की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मेघा पाटकर के साथ एक तस्वीर की साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा, बचा हुआ देश बेचने के लिए पुनः लॉकडाउन की तैयारी है। आंदोलन लॉकडाउन से समाप्त नहीं होगा, चाहे कोरोना आए या इससे भी बड़ा कुछ और। गौरतलब है कि एक ओर जहां कोरोना वायरस की महामारी के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि चाहे पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए, लेकिन हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि किसान नेताओं ने आंदोलन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही है।